तो बच्चा पार्टी, आपका स्वागत है जैन जी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अपनी टॉप नॉच बुक्स के और नोट्स के बारे में जो हमारी लॉन्च हुई है हमारे एजुकेशन महोत्सव पे। और एजुकेशन महोत्सव बच्चा चल रहा है 21 मार्च से 30 मार्च तक चलेगा, तो इसके बीच आप बुक्स खरीद सकते हैं और अपने नोट्स को भी खरीद सकते हैं जो स्पेशली हम लोगों ने आपके लिए बनाया है। उन पर काफ़ी ज़्यादा ऑफर चल रहा है और ये ऑफर पूरे साल में दोबारा कभी नहीं आने वाला है। तो बेटा जल्दी से जाके खरीद लेना। खरीदना कैसे और कौन कौन सी बुक्स लॉन्च हुई है क्लास 10th एंड 12th वाले बच्चों के लिए, तो चलिए सबके बारे में बात करते हैं एक एक से। तो पहले बात करते हैं हम लोग क्लास 12th के वाले बच्चों की। तो पहली बुक हमारी आती है क्रिस्प शॉर्ट नोट्स। जी हाँ, ये नोट्स होने वाले हैं, शॉर्ट नोट्स होने वाले हैं। इसमें हम लोगों ने एक चैप्टर को केवल और केवल 5 से 10 पॉइंट्स के अंदर कंप्लीट किया और बिल्कुल डिटेल में नोट्स होने वाले हैं। क्रिस्प शॉर्ट नोट्स नाम ही है, तो मतलब क्रिस्प होने वाला है। अगर पूरा जो चैप्टर है उसको हम लोगों ने 5 से 10 पॉइंट्स में निपटा दिया है और ये होने वाला है क्लास 12th के बच्चों के लिए। इंग्लिश का नोट्स होने वाले हैं, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे नोट्स की। ये नोट्स नहीं, ये बुक होने वाली है, बुकलेट विद्या बुक। जी हाँ, विद्या बुक एक नाम नहीं एक ब्रांड बन चुका है। ये बुकलेट अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो एनसीईआरटी के पास, अगर एनसीईआरटी के बाद कोई बुक चाहिए तो वो होती है विद्या बुक। विद्या बुक एक ऐसी एवरग्रीन बुक है जो अकेली दावा करती है आपको कि कोई भी चीज़ आपकी छूट नहीं सकती है। इस बुक में आपको क्या क्या मिलता है, की टर्म्स मिलते हैं, इसके बाद आपको की पॉइंट्स मिलते हैं हर चैप्टर में, इसके बाद आपको PYQs मिलते हैं हर चैप्टर के, उसके बाद आपको सैंपल पेपर्स भी मिलते हैं 2-3 इसमें, इसके बाद आपको इसमें लिटरेचर पार्ट तो मिलता ही है, लैंग्वेज पार्ट में भी मिलता है, अनसीन पैसेज वगैरह, नोटिस के फॉर्मेट कैसे, सारे फॉर्मेट मिलते हैं, हर चीज़ इसमें मिलती है। इसमें क्या चीज़ नहीं है जो नहीं मिलती। तो विद्या बुक एक एवरग्रीन बुक हो सकती है आपकी एनसीईआरटी के बाद। एनसीईआरटी के बाद चाहिए तो विद्या बुक ही खरीदना, हमेशा याद रखना। ये होने वाली क्लास 12th वाले बच्चों के लिए इंग्लिश की बुक है, ठीक है। अब बात करते हैं अगली थर्ड चीज़ की, पापा नोट्स। जी हाँ, पापा नोट्स एक काफ़ी अच्छे नोट्स हैं जो फिजिकल एजुकेशन के लिए हैं। जी हाँ, फिजिकल एजुकेशन में बच्चों को काफ़ी तकलीफ होती है, तो मैं केवल एक चीज़ प्रेफर करूँगा, पापा नोट्स जैन जी एजुकेशन के। जी हाँ, पापा नोट्स आपके फिजिकल एजुकेशन की ऐसी तैयारी करवा देंगे जो आज तक आपने तैयारी की नहीं होगी। एक चैप्टर को हम लोग 1 से 2 पेज के अंदर कवर कर रहे होंगे डायग्राम के साथ और बहुत ही क्रिस्प एंड क्लियर नोट्स हैं, बिल्कुल साफ सुथरे नोट्स हैं, इतने बढ़िया नोट्स हैं बेटा समझ जाओगे, क्योंकि इसमें हम लोगों ने डिटेल में बात तो की है पर इन कंसाइज वे में बात की है, पूरा चैप्टर नहीं लिखा एनसीईआरटी की तरह। तो एनसीईआरटी के बाद पापा नोट्स को पढ़ लेना, फिजिकल एजुकेशन में 70 में से 70 फाड़ दोगे तुम, इतना मैं गारंटी कह सकता हूं अगर पापा नोट्स से तुम पढ़ के गए हो, ठीक है। और मैं सच बता रहा हूं, अगर एनसीईआरटी भी खरीदने का टाइम नहीं है तो तुम एक बार पापा नोट्स खरीद लो बेटा, तुम्हारा मतलब हो जाएगा काम बढ़िया तरीके से। अब बात करते हैं हमारी क्लास 10th वाले प्यारे प्यारे बच्चों के बारे में। तो क्लास 10th वाले बच्चों के लिए हम लोग दो चीजें लाए हैं। पहली चीज है बुलेट नोट्स। बुलेट नोट्स में क्या होने वाला है, पहली चीज लाए हैं बुलेट नोट। बुलेट नोट होने वाले हमारे इंग्लिश के, जिसमें बुलेट्स में बात की गई है। जी हाँ, पॉइंट्स में इसमें भी बात की, जैसे क्रिस्प शॉर्ट नोट्स थे क्लास 12th के लिए, तो यहाँ पर हम लोग बुलेट नोट्स लॉन्च किए। इस बुलेट नोट्स में आपको सारे की टर्म्स, की पॉइंट्स मिलेंगे, की टर्म्स मिलेंगे आपको, की मीनिंग मिलेगी, हर चीज़ इसमें मिलेंगे बुलेट नोट्स में, और इतने कंसाइज में भी इतने प्यारे हैं कि बस एक बार खरीद लिया ना तो लाइफ जिंगा लाला है, इसके बाद कुछ नहीं खरीदना पड़ेगा। यहाँ तक कि मैं दावा करता हूँ कि एनसीईआरटी अगर नहीं पढ़ी है और ना खरीदी है तो कोई ज़रूरत नहीं है, तुम एक बार बुलेट नोट्स पढ़ के देखो, तुम्हें मज़ा ना आ जाए तो बोल देना, ठीक है। अब बात करते हैं हमारी दूसरी चीज़ की, बेड़ा पार माइंड मैप्स। तो ये होने वाले हैं हमारे माइंड मैप्स क्लास 12th के लिए, बेड़ा पार। अब हर एक चैप्टर है आपका, डॉट लेटर टू गॉड हो गया या नेल्सन मंडेला वाला कोई चैप्टर हो गया, कुछ भी चैप्टर है हम लोगों ने माइंड मैप के अंदर समझाया। जी हाँ, एक पार्ट अगर उठा लिया तो इसमें हमने एक पॉइंट लिख दिया लेटर टू गॉड, इसमें दूसरा पॉइंट यहाँ लिख दिया, तीसरा पॉइंट यहाँ लिख दिया, 3 या 4 पॉइंट्स के अंदर हमने आपको पूरा एक चैप्टर खत्म कर दिया है। और डिटेल में जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना, जहाँ से CBSE ने ऐसा क्वेश्चन बनाया, जहाँ तक बनाते रहेगा, हमारे टॉप मेंटर्स ने बेड़ा पार माइंड मैप को बनाया बेटा, बहुत टाइम लग गया इसको बनाने में बट हम लोगों ने आपको कंप्लीट करके दिया है। तो ये होने वाले क्लास 10th के बच्चों के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट के बेड़ा पार माइंड मैप। और बुलेट नोट्स होने वाले आपके यहाँ पर हर चीज़ नोट्स के फॉर्म में मिलेगी। और पापा नोट्स होने वाले फिजिकल एजुकेशन की क्लास 12th वाले बच्चों के लिए। बात करते हैं विद्या बुक की। विद्या बुक एक एवरग्रीन बुक होने वाली, इसका कोई जवाब तोड़ नहीं है ना जवाब है, वो क्लास 12th वाले बच्चों के लिए होने वाली इंग्लिश की। और क्रिस्प शॉर्ट नोट्स की क्या बात करें, ये होने वाले क्लास 12th के इंग्लिश वाले बच्चों के लिए। अब आपको खरीदना कैसे उसके बारे में भी बात करते हैं। तो आपको जैसे ही ऐप ओपन करेंगे, ऐप ओपन करते आपको नीचे साइड एक स्टोर का आइकन दिखता है, स्टोर वाले आइकन जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप स्टोर पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे, वहां जाके आप पेमेंट कर देंगे। पेमेंट जैसे ही करते हैं वहां पर ईमेल अपनी सही डालिएगा, ईमेल डालने के बाद आप जैसे ही पेमेंट करते हैं ईमेल के अंदर 30 सेकंड के अंदर आपके उसमें हम लोग शेयर कर देते हैं सारे नोट्स। याद रखिएगा स्पैम में भी जाके देख लीजिए, कभी कभी आपके जो नोट्स होते हैं वो स्पैम ईमेल में पहुंच जाते हैं, तो स्पैम में चेक कर लीजिएगा। 30 सेकंड से 1 मिनट के अंदर आपके नोट्स आपकी ईमेल पर पहुंच जाएंगे। तो बेटा जल्दी जाओ खरीद लो, क्योंकि ये ऑफर दोबारा नहीं आने वाला और बहुत ही शॉर्ट नोट है बहुत ही कम प्राइस में, तो जल्दी से जाके खरीद लो अभी इसे।